खान साहब इलेक्शनों के अंदर ग्राउंड में आकर अपनी कंपेन कर पाएंगे? खान ने कंपेन कर दी थी। इस इलेक्शन में सबसे सस्ता इलेक्शन पीटीआई का होगा। जेल नहीं यूनिवर्सिटी है, आ गया डिग्री लेके, चार साल दी मैं पीएचडी कर ली। सोने तू एग्जाम ही नहीं क्लियर किया, तेन पीएचडी डिग्री के भी मिल गई, वो नेल्सन मंडेला बन के आएगा। पीडीएम पार्ट टू आ रही है, पीपल पार्टी होला लें दो। मैं कहा सोनिया थोड़ा खलो जाओ, वो सदरे पाकिस्तान आना चाह रहा है बब्बर जरा। आसफ अली जरदारी साहब सदरे पाकिस्तान के लिए आएंगे, 5 साल कर जाएंगे। खान साहब इलेक्शनों के अंदर ग्राउंड में आकर अपनी कंपेन कर पाएंगे, जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पीटीआई को इजाजत मिलेगी इलेक्शन कंपेन करने की? तू सोने काका है, छोटा जा लाटू है। खान ने कंपेन कर दी थी, दुनिया को उजागर ही नहीं किया, अपनी कौम को नहीं पूरी दुनिया को उजागर कर दिया। उसकी कंपेन होगी। इस इलेक्शन में सबसे सस्ता इलेक्शन पीटीआई का होगा। क्यों? दुनिया जाग की इसे जगा दिया था। वो तो अडियाला यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, वो जेल नहीं यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी की डिग्री लेके आएगा, जड़ा बाऊ जी नहीं लेके आया। बाऊ जी ते वो कोट लखपत यूनिवर्सिटी दे विच एग्जाम भी नहीं दे के गया, ते नस गया, ते आ गया डिग्री लेके, 4 साल दी मैं पीएचडी कर ली। सुने तू एग्जाम ही नहीं क्लियर किया, तेनू पीएचडी डिग्री के मिल गई, कौम ने देनी है तेनू, पहले कौम दे अगे सामने ते आ, क्लियर तो हो, बारो तू क्लियर नहीं हो सकता बबर शेरा। पहले पीडीएम 1 थी, पीडीएम 1 जिसने सोचा कि हम खान को गिरफ्तार कर लें, आखिरी 10 दिनों तक जो हुकूमत रह गई थी उन्होंने गिरफ्तार करके अडियाला यूनिवर्सिटी, इज नॉट ए जेल यूनिवर्सिटी, वो पढ़ने गया हुआ है, वो नेल्सन मंडेला बन के आएगा, वो मशरिक का सूरज है, वो इकबाल का शाहीन है, वो आएगा। तुमने कहा पीडीएम प्लान, पीडीएम तो पीडीएम पार्ट टू आ रही है, आओ बब्बर जरा पीडीएम पार्ट टू की है। देखो पहले नंबर पे नवाज साहब आए, बाऊ जी आए ने ना, बीमार होके चले गए, ते खान ते बीमार होके नहीं गए, इत्थे ही इलाज कराएगा, इत्थे ही मरेगा, इत्थे ही उदी जदादा ने, इत्थे ही उदी जड़ी बनी गल है, वह भी शौकत खानम दी है, इत्थे ही है उदा हर कुछ, उदे बच्चे भावे बाहरों नहीं गया। प्लान टू देखो, पीडीएम 1 क्या थी? पीडीएम 1 थी शहबाज शरीफ, अब पीडीएम 2 क्या है? नवाज शरीफ। अब पीडीएम 2 में क्या है? देखो पीडीएम 1 में वजीरे खारजा था बलावल भट्टो, साड़ा बच्चा है बलावल भट्टो, जुल्फकार अली भट्टो शहीद, मैं शहीद कह रहा हूं, ओगस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत उस्मा ने देना है ये फैसला, वो तो बात की बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। अब ये बलावल भट्टो साहब पीडीएम 1 के क्या थे? वजीरे खारजा। अब पीडीएम 2 क्या आ रही है? नवाज शरीफ। और पीपल पार्टी तुम होला लें दो, और मैं कहा सोने थोड़ा खलो जाओ। पीडीएम 2 में पीपल्स पार्टी 1 है या 3 है? अच्छा 1 होती है तो नवाज शरीफ फारिक, 3 में आएंगे तो 2 में ओपोजिशन लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं। तो पीडीएम जड़ी 3 दिनों में बना रहे हैं। देखो नवाज शरीफ के बाद किसकी बारी आई? इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के बाद बारी किसकी आनी थी? तो आनी थी बलावल भट्टो पीपल पार्टी की, लेकिन आ गए फिर नवाज शरीफ। अब खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में है, नवाज शरीफ साहब वो बैटिंग कहते हैं मैं बहुत अच्छी करता हूं, उन्होंने बॉलर अंदर कर दिया, उस बॉलिंग के आगे तो खड़े नहीं हो सकते। वो अडियाला यूनिवर्सिटी में जो हमारा नवा इमरान अहमद खान नियाजी मशरक का सूरज है, उसकी बगैर बॉलिंग से वो अंदर आ गए।
तो हुन दूजा फिर स्पिन और मैजिशियन बॉलर कौन है? तो मैजिशियन बॉलर ते नहीं चाहेगा, मैं थ्री चाहेगा, वन चाहेगा। ओ सदरे पाकिस्तान आना चाह रहा है बब्बर चरा, लेंगे सदरे पाकिस्तान माशी। कौन माशी वगैरह वजीर आजम बन जाते हैं? सुन खलो जा, आसफ अली जरदारी साहब सदरे पाकिस्तान के लिए आएंगे, 5 साल कर जाएंगे, पहले भी 5 कर गए। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 1947 से आज तक सदरे पाकिस्तान की मियाद पूरी हुई है, लेकिन वजारत उज़्मा दे नहीं सुने। हाँ नहीं,